पता चल गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि यहाँ ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, और ए और ये बी और सी तीनों क्या है जी, एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या पढ़ रहे हैं आप, टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टाइप। तो पहला तो स्टैंडर्ड हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा होता है अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा ना, अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी पार्ट जीरो रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे एक लास्ट वाला होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यह प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला क्या है जी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, तो ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब बी वाला पार्ट क्या होता है मिसिंग होता है, एक्स वाला पार्ट बी एक्स पार्ट मिसिंग होता है, तो इसको बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एग्जांपल हम बता चुके थे कैसे, यहाँ पे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखोगे तो माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस कुछ भी नंबर ले सकते हैं, प्लस सेवन एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। और यहाँ पे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एग्जांपल तुम चाहोगे तो कैसे लिखोगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स इज इक्वल सेवन कर लेते हैं, प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो, ये आपका क्या है जी, ये आपका देख लो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, है ना। सी पार्ट क्या है मिसिंग है, सी पार्ट क्या है मिसिंग है। अब देखो, अब तुम देख के बता सकते हो ये इसको भी कोई भी अगर रहेगा ना अडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखो ना, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स है ना, यहाँ पे सी पार्ट मिसिंग है स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, तो सी के जगह पे यहाँ पे जीरो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। और जैसे ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ये आपका है टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जीरो एक्स लिख सकते हो और प्लस सेवन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, जीरो एक्स प्लस सेवन ऐसा लिख सकते हैं ना। इसमें क्या होगा ना, x का कोफिशियंट जीरो है, मतलब जीरो से मल्टीप्लाई करके तो जीरो ही हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब चलो बात कर लिए, बोलिए ये कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बताइए तो, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b और ये हो गया आपका c, ये बताओ कौन सा इक्वेशन है, 6x एक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बोलो अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें a का वैल्यू कितना है माइनस टू, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू कितना है जीरो, कैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्लस जीरो, है ना, प्लस जीरो लिख सकते हैं ना, ठीक है। अडफैक्टेड है मतलब अडफैक्टेड डिफाइन है कि अगर दो ही, अगर एक्स स्क्वायर और एक्स वाला पार्ट रहे कॉन्स्टेंट मिसिंग रहता है तो उसको अडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अगर तीनों रहेगा तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये मिडिल टर्म जो मतलब एक्स वाला पार्ट होता है ना वो मिसिंग होता है, ठीक है ना। देखो ये कौन सा इक्वेशन है बताना जरा, माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, प्योर है, तो इसमें ए का वैल्यू कितना है माइनस टू, बी का वैल्यू कितना है जीरो, क्यों, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो जीरो एक्स लिख लोगे, जीरो एक्स और ये कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही है माइनस सिक्स, है ना, b का वैल्यू क्या हो गया जीरो और कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस सिक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है आगे चलते हैं फटाफट एकदम ना।